हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वॉचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात जन्मदिन की करेंगे। मैं जन्मदिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी इंग्लिश जब बोली जाती है तो 80% इसको बोला जाता है बर्थडे, और लिखा इस तरीके से जाता है। सिर्फ बर्थडे नहीं होता है, पहले तो ये समझिए इसको आप बोलेंगे क्या, उससे पहले इसको सीख लेते हैं। डी ए वाई को आप डे बोलते हैं जबकि ये डे होता नहीं है। जब भी एडवांस इंग्लिश की बात आती है इसको डे नहीं बोला जाता है। जैसे कि अंग्रेज को अगर आप बोलो ना कि गए बोलिए, तो वो कभी भी गए नहीं बोल सकता। अब बोलना स्पीक आफ्टर मी गए, तो बोलेगा गई। अब बोलोगे गए, वो बोलेगा गई 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 गई। आप कितने क्वेश्चन में गए गए गई, तो गए की जगह डायरेक्ट देना जाए जाए जाए। तो डे नहीं होता, जाए क्या होता है, यस ऑफकोर्स जाए। अब उससे पहले बर्थ, तो आर साइलेंट हो जाता है एडवांस इंग्लिश में। कैसे होता है आर साइलेंट, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि आर कहां कहां साइलेंट होता है। यस, सो अब इसका आर साइलेंट हो जाएगा उस रूल के अकॉर्डिंग। सिर्फ बर्थ नहीं होगा, बर्थ हो जाएगा, बर्थ डे बर्थ डे बर्थ डे। और जब आप बर्थ डे को चार बार बोलोगे है भी गायब हो जाएगा, फिर बन जाता है। जैसे बोलो ना बाधाई 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 है, चला जाएगा, सो फिर बच जाता है बाधाई। यस ऑफ कोर्स बाधाई, हैप्पी बाधाई, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब नॉर्मली विश यू हैप्पी बर्थडे, रिटर्न ऑफ द डे, ये बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। तो आज मैं आपको ऐसे तीन सेंटेंस बताने वाला हूं जो इनकमिंग टाइम आप यूज करके इंप्रेस कर सकते हैं जिसका जन्मदिन है उसको। सो सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे हो सकता है, उस इंसान को जन्मदिन मुबारक हो जिसके बिना मैं अधूरा हूं। इंग्लिश में बोल सकते हैं हैप्पी बर्थडे टू द वन विदाउट हुम आई एम इनकम्प्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे हो सकता है आपका, मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान को जन्मदिन मुबारक हो। सो बात करेंगे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। और लास्ट सेंटेंस आपका यहाँ पे हो सकता है, दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति को सबसे अच्छे जन्मदिन की बधाई। सो बात करेंगे बेस्ट बर्थडे विशेस फॉर द बेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। सो ये थ्री नए तरीके मैं आपके लिए लेके आया था, तीन नए सेंटेंस मैंने आपके लिए निकाले थे। इनकमिंग टाइम जब भी आप किसी को बर्थडे विश करो तो इनका यूज जरूर कीजिएगा। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके, इंप्रेसिव हो सके और आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाए। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।